क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 27, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन रहेगा किसका, माइनस का रहेगा, तो हो जाएगा माइनस, और ये 52 और 20 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। आगे देखिए तो हो जाएगा 5y, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा साइन किसका है, माइनस का, क्यों, क्योंकि देखिए 27 में और 72 में बड़ा कौन सा है, 72, इसके पीछे का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और देखिए इसको माइनस कीजिए तो 12 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, इक्वल टू हो जाएगा 0। आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए यहाँ वेरिएबल है और ये नंबर है, अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को हम लेफ्ट में रखेंगे तो हो जाएगा 5y, और माइनस 50 को हम लोग क्या करेंगे, 0 के इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, माइनस 45 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस 45, साइन चेंज हो जाएगा, तो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा 45। यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कैंसिल कीजिए, 5 9 जाए तो y इक्वल टू हो जाएगा 9। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि किस में रखें, LHS में रखें या RHS में रखें या दोनों में रखें। तो देखिए ये पूरा क्या है, LHS है, इक्वल टू से पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। इसमें देखिए y वाला टर्म है, RHS में देखिए RHS में y वाला टर्म है ही नहीं, सिर्फ 0 है, तो हम लोग सिर्फ LHS में रखेंगे। यदि RHS में भी y का टर्म रहता तो हम वाई तो RHS में भी हम लोग वैल्यू रखते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे सिर्फ LHS में है तो हम लोग LHS में लिखेंगे, रखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चेक LHS। तो LHS को हम यहाँ से कॉपी करते हैं तो यह 13 टाइम्स ये y माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स ये y माइनस 9 माइनस 5 टाइम्स ये y प्लस 4। ओके सॉल्व करने में हम लोग रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके तो आप लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 9, 9 से पुट कर दीजिए तो देखिए इसका रिजल्ट हो जाएगा हम लोग को 13 टाइम्स y कितना है 9 माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे y है तो y की जगह हम 9 रखेंगे 9 माइनस 9 हो जाएगा, फिर माइनस 5 टाइम्स ये हो जाएगा 9 प्लस 4। ओके अब यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 13 इंटू 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13। आगे देखिए तो 13 5 जो हो जाएगा 65 माइनस 0 ये हो जाएगा माइनस 65। अब देखिए प्लस 65 से माइनस 65 कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ गया 0। तो ये क्या था, RHS था। देखिए यहाँ पे RHS में हम कितना दिया गया था, 0 दिया गया था, तो लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे लिखिए यहाँ पे सिंस LHS इक्वल टू RHS, लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। तो बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया गया है 2m प्लस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू 3m माइनस 10। देखिए दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग को आ गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में है और बीच में साइन किसका है, यहाँ पे इक्वल टू में है फ्रैक्शन और यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ नहीं कुछ है तो सिंगल टर्म है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे इसके नीचे में हम लोग क्या करते हैं 1 डाल देते हैं। ऐसा हम लोग मिल सकता है कि LHS और RHS दोनों फ्रैक्शन में रहेगा, बीच में साइन किसका रहेगा, इक्वल टू का रहेगा, या LHS में क्या रहेगा फ्रैक्शन में रहेगा और RHS में सिंगल रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, सिर्फ नोमिनेटर दिया रहेगा, तो हम इसके नीचे में क्या करेंगे 1 डाल देंगे। तो जब दोनों तरफ फ्रैक्शन में रहेगा बीच में साइन इक्वल टू का रहेगा, तो इसका मतलब है कि इसको हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। लिखेंगे बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए दोस्तों हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको देखिए इसको इसके साथ में करेंगे और इसको इसके साथ में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए बीच में साइन इक्वल टू का होना बहुत जरूरी है और साथ में फ्रैक्शन में होना चाहिए। ओके तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में है,
इसका मतलब क्या हो गया कि 2m प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको लिख लीजिए 1 इंटू में 2m प्लस 5 इक्वल टू, अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 10। ओके आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 5 इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 3 जाए 9m माइनस, देखिए प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें प्लस, यानी कि प्लस है प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 3 10 जा जाएगा 30। पहले मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, साइन का मल्टीप्लाई होता है। ओके अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एलएचएस में देखिए हम लोगों को वेरिएबल और नंबर है यहाँ पे, और यहाँ भी क्या है वेरिएबल और नंबर है, तो बताए थे जब वेरिएबल और नंबर दोनों साथ में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से क्या करेंगे वेरिएबल को लेंगे, तो लेफ्ट साइड वेरिएबल क्या होगा 2m, बीच में साइन किसका डालेंगे इक्वल टू का, और राइट साइड से क्या करेंगे नंबर को कॉपी करेंगे। देखिए दोनों तरफ यदि वेरिएबल रहेगा तो क्या बताए थे कि लेफ्ट साइड से वेरिएबल को लीजिए यानी कि अल्फ़ाबेट वाले को, तो ये हो जाएगा 2m, राइट साइड से नंबर को लीजिए। अब देखिए लेफ्ट साइड में किसको लेते वेरिएबल वाले को, तो राइट साइड से क्या कीजिए वेरिएबल वाले को लेफ्ट साइड में लाइए, तो प्लस 9m को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा माइनस 9m हो जाएगा। अब देखिए इधर राइट साइड में क्या किए थे नंबर को लिए थे, लेफ्ट साइड से नंबर को लिए थे, नंबर यहाँ पर कितना है प्लस 5, उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5, ये ध्यान रखना है, इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये प्लस है और ये है माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 9m में से 2m जाएगा तो कितना हो जाएगा 7m हो जाएगा, लेकिन बड़ा साइन किसका है प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्यों, क्योंकि 9m क्या होता है 2m से बड़ा होता है, इसके पीछे का साइन किसका है माइनस का, तो माइनस डाल दिया हम लोग। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस 35। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 35 और अपॉन में देखिए माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 5, सॉरी माइनस 7, कैंसिल कीजिए माइनस से माइनस, 75 जाए 35, तो m का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, तो देखिए चेक हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसका वैल्यू हम एल एच एस में रखेंगे या आर एच एस में या दोनों में रखेंगे, देखिए m जो है एल एच एस में भी है और m आर एच एस में भी, इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू दोनों में रखेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, ये है एल एच एस और ये आर एच एस, हम जानते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट में क्या होता है एल एच एस होता है और राइट में क्या होता है आर एच एस होता है। इसको देखिए कैसे हम इसको चेक करते हैं, अब देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे, लिखे हैं यहाँ पे एल एच एस और यहाँ पे आर एच एस, और एम का जगह पे हम लोग कितना पुट करना है 5 पुट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एम इक्वल टू 5, दोनों हम लोगों को एम की जगह 5 पुट करना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5 अपॉन में हो जाएगा 3। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई का काम हो जाएगा, तो 2 5 जाए 10 प्लस 5 अपॉन में हो जाएगा 3, तो हो जाएगा हम लोगों को 15 अपॉन में 3, कैंसिल कीजिए 5, एल एच एस को सॉल्व किया तो कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पर आर एच एस को सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा 3 इंटू एम की जगह 5 पुट कीजिए तो 5 माइनस 10, तो हो जाएगा 15 माइनस 10, इसका रिजल्ट कितना हो गया 5। तो देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों लोगों को इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस वेरीफाइड। ताहिब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग ये दिया गया 6 times 3x + 2 -5 times 6x - 1 = 3 times x - 8 -5 times 7x - 6 + 9x। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस है तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 और आगे मैक्स एक्स लगा दीजिए, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6 2 12। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 हो जाएगा 30 और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 1 5 इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस है इसमें साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 8 या 24। लेकिन देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7 5 या 35 और एक्स, फिर माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5 6 हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा प्लस ये 9 और एक्स। ओके
सबको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए LHS, देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू से पहले वाले को हम अलग सॉल्व करेंगे, इक्वल टू के बाद वाले को अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए लाइक टर्म्स यहाँ पे ये है और ये है, यहाँ किसका साइन है प्लस का, तो ये प्लस और ये हो गया माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और बड़ा साइन किसका है देखिए नेगेटिव का, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो 30 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स आ गया। फिर देखिए ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। आगे देखिए इक्वल टू का साइन डाल दिए, अब LHS वाले को ये इक्वल टू का राइट साइड वाले को सॉल्व किए, तो यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ पे, ये 3x है, ये -35x है और यहाँ पे ये है। पहले ऐड कीजिए देखिए 3x, यहाँ देखिए प्लस है, तो प्लस वाले को पहले सॉल्व किया, देखिए 3x और 9x कितना हो जाएगा 12x, और 12x में से 35x जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। कम में से हम लोग ज़्यादा को माइनस कर रहे हैं इसीलिए क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और 35 में से मान लीजिए 12 को हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए 23x हो जाएगा। ओके आगे देखिए, और देखिए यहाँ पे नंबर कहाँ कहाँ पे, ये प्लस 30 है और ये कितना है -24 है। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और जिसका साइन बड़ा होता है उसी का साइन हम रखते हैं। ये देखिए प्लस में कितना 30 है और माइनस में कितना 24 है, तो बड़ा साइन प्लस का है इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस डालेंगे, 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हम लोगों को वेरिएबल और नंबर है, और यहाँ पे राइट साइड में क्या है वेरिएबल और नंबर में है। तो क्या बताया है कि लेफ्ट साइड में पहले वेरिएबल को कॉपी कर दीजिए -12x, बीच में इक्वल टू साइन डालिए और राइट साइड में नंबर को कॉपी कीजिए, तो ये और ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए लेफ्ट साइड में किसको लिखे थे वेरिएबल को, तो राइट साइड से वेरिएबल वाले को ले जाएगी लेफ्ट साइड में, तो -23x को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा साइन, तो +23 और ये x हो जाएगा। अब देखिए राइट साइड में किसको लिए थे नंबर्स को, तो लेफ्ट साइड से नंबर को ले जाए राइट साइड में, तो +17 को राइट साइड में ले जाए तो क्या हो जाएगा -17। अब आगे देखिए, देखिए प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, बड़ा साइन किसका है प्लस का, यहाँ पे प्लस डालिए और 23 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा बताइए 11, साथ में एक्स लगा दीजिए इक्वल टू 6 -17, यहाँ प्लस है, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसमें बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो माइनस कर दीजिए और 17 -6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -11 अपॉन में ये 11 आ जाएगा नीचे में, कैंसिल कीजिए तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। और इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे चेक। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कि ये इक्वल टू से पहले वाला है, यहाँ पे LHS है, देखिए इसमें भी x का टर्म है, और इक्वल टू के बाद वाला है RHS, इसमें भी x का टर्म है। ओके तो हम लोग दोनों में वैल्यू को हम लोगों को रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS और RHS दोनों से आएंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS और यहाँ पे लिखेंगे RHS। ओके अब LHS में हम लोगों को 6 × 3x + 2 − 5 × 6x − 1, और RHS में है 3 × x − 8 − 5 × 7x − 6 + 9x। ओके पुट करना है हम लोगों को, पुट x इक्वल टू कितना -1 पुट कीजिए इसमें दोनों में, ये हो जाएगा हम लोगों को 6 × 3 × x का वैल्यू कितना -1 और ये हो जाएगा +2, फिर -5 × 6 × −1 और ये -1, एक्स के जगह हम लोग -1 पुट किए। ओके देखिए 6 × 3 × −1 हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +2, −5 × 6 × −1 कितना हो गया -6, ये हो जाएगा -1। आगे देखिए 6 × देखिए 2 में से 3 को माइनस करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, कम में से ज़्यादा को माइनस करें इसका मतलब क्या है -1 आएगा, ये 1 हो जाएगा, -5 × ये माइनस और ये माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा -7। ओके अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को
प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 1 6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35। आगे देखिए, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साइन बड़ा किसका है, प्लस का, यहाँ पर प्लस 35 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। तो देखिए एल एच एस को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 29 आया। अब देखिए आर एच एस को भी सॉल्व करेंगे तो 29 ही आएगा। देखिए तो हमको वेरीफाई हो जाएगा, 3 times एक्स का वैल्यू कितना, -1, ये -8, -5 times 7 into -1, एक्स की जगह -1 रख रहे हैं तो 7x था, 7 into -1, ये है -6, प्लस 9 into x है तो ये क्या हो जाएगा -1। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 3 into, देखिए -1 और -8, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -9। फिर देखिए -5 into, देखिए ये हो जाएगा -7 और ये -6, तो हो जाएगा -13, और ये हो जाएगा प्लस 9 into -1, तो कितना हो जाएगा -9। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा -27, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 65, और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -9। आगे देखिए, देखिए पहले प्लस वाले को लिख दीजिए 65, देखिए -27 और -9, तो ये माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 7 और 9 16, और ये हो जाएगा 36। अब देखिए प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बड़ा साइन किसका है, प्लस का, तो 15 में 6 जाएगा, हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5 में 3 जाएगा तो 2। तो देखिए एल एच एस को सॉल्व किया तो कितना आया था, 29 आया था। आर एच एस को सॉल्व किया तो कितना आया, 29 आया। इसका मतलब क्या है, ये वेरीफाइड हो गया। तो लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।